हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक अमर सर में। दोस्तों, नई जायरा प्रसिद्ध की यवतमाल जिला होमगार्ड, ठीक है, होमगार्ड के लिए वैकेंसी निकली है वाली, और ये भर्ती कब है? 14 जून 2019 को ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज है 351 वैकेंसीज है पुरुष व महिलाओं के लिए। ओके, और किस कहाँ पे कितनी वैकेंसी है? ठीक है, पुरुष पथक में, पुरुष पथक कार्यालय में है 64 वैकेंसीज है, 64 वैकेंसीज है पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 14 वैकेंसीज है। ओके, नेक्स्ट है पांडरकोड़ा। पांडरकोड़ा में 33 वैकेंसी पुरुष के लिए और 7 वैकेंसीज है महिलाओं के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका तफसील दिया गया कि कहाँ कहाँ पे उम्मीदवार होंगे। ठीक है, यहाँ पे कहाँ कहाँ से उम्मीदवार होंगे। ओके, नेक्स्ट है दारवा पथक। दारवा पथक में 74 वैकेंसीज है पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 33 वैकेंसीज। ठीक है, नेक्स्ट है वनी पथक। वनी पथक में है 13 वैकेंसीज पुरुष के लिए और महिला के लिए 26 वैकेंसीज है। यवतमाल पथक में 31 वैकेंसीज पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 65 वैकेंसीज है। ठीक है, ओके। और आपका 14 तारीख को आपको कहाँ पे होंगे? पुलिस कवायद मैदान, वरसवाड़ी, यवतमाल, तालुका जिला यवतमाल, महाराष्ट्र। ठीक है, ये आप होंगे आपका सुबह। ठीक है, आपको 14 तारीख को सुबह 7 बजे आपका नोंदी कार्यक्रम होगा इस पते पर। ठीक है, कवायद मैदान, वरसवाड़ी, यवतमाल। ओके, और आपको होमगार्ड नोंदनी के संबंध पूरी जानकारी 28 शर्ती, ठीक है, आपको yavatmalgovernment.in और yavatmalpolicegovernment.in की दो वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं साथ में? ठीक है, आपको लाने हैं होमगार्ड नोंदनी, गुणांक विवरण पत्र, उम्मीदवार से तांत्रिक गुण, उम्मीदवार से शैक्षणिक प्रवर्तन, रहवासी कागज पत्र, वैतरणी सूची, निवेदन क्रमांक 1, निवेदन क्रमांक 2, निवेदन क्रमांक 3। ठीक है, और नमुने उमेदवारांनी स्वतःच्या हस्ताक्षरात भरून वरील ठिकाणी नमूद वेळेत उपस्थित राहावे। ओके, वेगळी उपस्थित राहणार आहे आपण। ठीक आहे, और आपका 10 बजे तक ही ये नोंदणी होगा। ठीक आहे, नेक्स्ट है आपके लिए इसकी शैक्षणिक अर्हता क्या चाहिए, आपका एजुकेशन क्या चाहिए, ये 10वीं पास चाहिए। ठीक है, और आपके शैक्षणिक पात्रता कितनी चाहिए, 20 से 50 आपका एज होना चाहिए। ठीक है, 50 के बीच में ऊंची चाहिए, 162 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर। ठीक है, छाती पुरुष के लिए चाहिए 76 सेंटीमीटर और जोन 81 सेंटीमीटर, धावने पुरुष पुरुष कितना 1800 मीटर और महिला कितना 800 मीटर। ठीक है, घोड़ा फेंक पुरुष कितना 7.7.260 किलोग्राम रुकना घोड़ा, यानी महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम का वजन का गोला होगा। ठीक है, आवश्यक कागज पत्र क्या क्या चाहिए आपके पास, रहवासी पुरावा, आधार कार्ड, निवडणूक ओळख पत्र, शिधा पत्रिका। ठीक है, जन्मदिनांक, पड़ताली, ठीक है, 10वीं पास से वोट सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, और तांत्रिक धारण असल्यास ITR, खेळाडू, सामाजिक सैनिक, NCC, BNC सर्टिफिकेट, नागरिक संरक्षण सेवेत HMV ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। ओके, नेक्स्ट क्या है, होमगार्ड पात्रचे गुण, गुण कैसे रहेंगे, या फिर साथ ये दिखे डॉक्यूमेंट। ठीक है, ITR वरण पत्र, खेळाडू प्रावीण्य असले, माजी सैनिक, NCC, BC नागरिक संरक्षण सेवेत, परंतु ठिकाणी 3 प्रशिक्षण पूर्ण केलेले वाहनधारक, जड वाहन चालक वाहनधारक। ठीक है, आपको अगर आपके पास एक होगा तो आपको 2 गुण मिलेंगे, ऐसे करके आपके अगर 10 गुण 100 सर्टिफिकेट होंगे तो आपको 10 गुण मिलेंगे इसके। ओके, नेक्स्ट है धावने। ठीक है, आपकी इसकी 1600 मीटर की रेस रहेंगी पुरुष के लिए। ठीक है, 1600 मीटर की रहेंगी पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 800 मीटर की। ठीक है, इसके 25 गुण मिलेंगे, अगर आपने 5 मिनट 10 सेकंड में 1600 मीटर पूरा किया तो आपको 20 गुण मिलेंगे। ठीक है, और आपने अगर महिलाओं के लिए 2 मिनट 50 सेकंड में किया तो आपको 25 गुण मिलेंगे। ठीक है, पुरुष के लिए 20 मार्क के एग्जाम है और महिलाओं के लिए 25 मार्क के एग्जाम है। ठीक है, नेक्स्ट है घोड़ा फेंक। घोड़ा फेंक में पुरुष के लिए 10 गुण के एग्जाम रहेंगे। ठीक है, 8
50 मीटर या उससे ज़्यादा भी का तो 10 गुण मिलेंगे आपको, जैसे यहाँ पे दिया गया है। आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार चांस दिया जाएगा। ये महिलाओं के लिए क्या है, महिला के लिए 6 मीटर और उससे ज़्यादा 10 गुण मिलेंगे इसमें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें भी 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। आप पूरी जानकारी yuvatma.nic.in और yuvatma.police.gov.in इस वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपको आपके पास मोबाइल होना ज़रूरी है, ठीक है। प्रबंधनी संदेश मोबाइल मैसेज आपको भेजे जाएंगे, ठीक है। और इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं लगेंगी, ठीक है, वेटिंग लिस्ट में से जाना नहीं। और आपके आपके संपर्क सिर्फ मोबाइल मैसेज से किया जाएंगे, ओके दोस्तों। और आपको इसमें मानधन मिलेगा, ठीक है, 400 रुपये देंगे कर्तव्य उपहार भत्ता, ठीक है। और प्रशिक्षण काल में आपको 100 रुपये प्रतिदिन भोजन भत्ता और 35 रुपये और 35 रुपये खिसा भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा नोटिफिकेशन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका कुछ बेनिफिट मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले ऐसी प्राप्त वीडियोज़ के बारे में जानकारी मिल सके। So, thanks for watching.